वो देखो सामने, वो है हेल्थ क्लब। ठीक है, मैं काउंटर पर जाकर कहती हूँ मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इससे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। अपनी बहन की खातिर मैं जहन्नुम में भी जा सकती हूँ। ब्यूटिफुल, व्हाट अ फिगर। हाँ, जस्ट अ मिनट बेबी, आज ही इस क्लब में आई लगती हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज रास्ता मत रोको, जाने दो मुझे। शायद तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस क्लब का मालिक जे आर। I'm sorry, sir. Never mind. हम खूबसूरत लड़कियों की किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सर। इस वक्त हम जरा जल्दी में हैं और तुमसे भी बहुत जल्द मिलेंगे। नाउ यू कैन गो। ए, वेट अ मिनट। तुम्हें शायद पता नहीं कि उस तरफ जाना मना है। ओह, आई एम सॉरी। नेवर माइंड। हम खूबसूरत लड़कियों की किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। नाउ यू कैन गो बेबी, दैट्स आई। एक्सक्यूज मी। जी, आपने कभी इस क्लब में इस लड़की को देखा है? मुझे नहीं लगता कि मैंने ये चेहरा कभी देखा है। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज एक नई लड़की को उस तरफ ले जाया गया है। थैंक यू। कहाँ जा रही हो मुझे अकेला तड़पते हुआ छोड़कर? देखो ना, इन लड़कियों को भी खूब आता है। ए, ये सर। अभी अभी तुमने किसी नई लड़की को इस तरफ देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, जाओ। कहाँ गई हो? अरे जल्दी आओ ना, अरे मैं तड़प रहा हूँ। मैनेजर, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे पूछे बगैर तुमने उस लड़की को काम पर कैसे रख लिया। सर, उसकी खूबसूरती देखकर मैंने सोचा कि आप मेरे सिलेक्शन की दाद देंगे। क्या शिट दाद देंगे? देखो, उसका यहां से बाहर निकलकर जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब देख क्या रहे हो? हाँ, जाओ, जाकर सारे कमरों में तलाश करो। धीरे से नीचे ले जाओ, हाथ हाथ ले जाओ। नहीं हुआ ठीक से करो। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो लड़ियो? क्या मुझे छोड़ के मत जा, सुनो। प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। कैसे जाओ? कमाल की बात है, हमें अपनी गुले गुलजार की परियां खराब करते, अपने कमरे में जाओ। गुले गुलजार। तुम इस जगह? मैं अपनी बहन की तलाश कर रही हूं।
ओह हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें डांसिंग स्कूल से निकलते हुए भी देखा था, मगर इन जगहों पर तुम जैसी लड़की का अकेले आना, अगर तुम कहती तो मैं तुम्हारे साथ। ये काम मेरा है और मुझे ही करना है। इंसान ही तो इंसान के काम आता है। शुक्रिया। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं यहाँ कैसे। हमारे समाज में मर्द कहीं भी जा सकता है, पाबंदी तो सिर्फ औरतों के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी यहाँ कोई अय्याशी करने नहीं आया हूँ, मैं भी उसी कहानी का कोई सिरा तलाश करने आया हूँ। शायद तुम नहीं जानती, कल रात कैंडी का मर्डर हो गया। क्या? इत्तेफाक से मैं भी वहीं से गुजर रहा था। जिस कार के नीचे कैंडी कुचली गई, उस कार का नंबर मैंने पढ़ लिया। तलाश करने के बाद में पता चला वो कार इसी क्लब के मालिक की है। हाँ, मैं अभी अभी इस क्लब का पिछला हिस्सा देखकर आई हूँ। मुझे लगता है ये क्लब बदमाशों का बहुत बड़ा अड्डा है। किसी भी तरह वहां तक पहुंच जाना चाहिए, मगर इस वक्त तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस क्लब का बदमाश मालिक मेरे पीछे लगा हुआ है। आखिर गई तो कहाँ गई? मुझे वो लड़की किसी भी तरह चाहिए, वरना मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा, समझे? ओए गुरमुख सिंह, कब आया अमेरिका से? पहचाना नहीं? अरे मैं अमरनाथ। बड़े दिनों में मिला है यार, चल कहीं चाय शाय पीते हैं। मेरा तो दम घुट रहा था वहां। अरे अरे, अभी ये सब ऐसे ही रहने दो। क्यों? हेलो स्वीटहार्ट, सॉरी आई एम लेट। इट्स ऑल राइट, आपके लिए तो हम जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं। न जाने आप में कौन सा जादू है। डार्लिंग, हम में क्या जादू है, जादूगरी तो आप में है। हम आपके लिए खास स्पेशल टेप लाए थे फॉर फन सेक, वो खामखा हमारा मूड खराब। डार्लिंग, यस, आप हमारे लिए एक पैक बना सकती हो? आप यूं कहती है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे कहा कीजिए ना। जूली, दो पैक बनाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ओ स्वीट हार्ट, दो क्यों, एक ही बनाओ ना, दोनों उसी में पियेंगे। थैंक यू। हेलो। हेलो, सेवक राम जी बोल रहे हैं? अरे भाई, मेरे टेलीफोन पर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा पार्टनर? अरे मियाँ, इस गलतफहमी में मत रहो, कोई और भी बोल सकता है। जानते हो आज क्या हुआ? एक फोटोग्राफर ने किसी मिनिस्टर के साथ तुम्हारी फोटो दिखाई मुझे। क्या क्या कह रहे हो पार्टनर? अरे गनीमत समझो, वो आदमी मेरे अपने स्टाफ का था, मामला संभाल सकता हूँ। फर्ज करो ये बाहर का होता और ये फोटो धर्मेश योगी के पास पहुँच जाती तो दोस्त हम सारे के सारे मारे जाते। पार्टनर, ये बात कहने की नहीं करने की है। उस रिपोर्टर की राम बोलो भाई राम करने से पहले ये पता लगाना है कि हमारी बातें उस तक पहुंचाता कौन है। अरे बाद में आ जाऊंगा मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ हाँ, ओके। डैडी, कल हेल्थ क्लब में मैंने एक लड़की को देखा था, मुझे शक है कि वो लड़की जासूसी करती थी। और वो तुमसे बचकर निकल गई? मेरे लाडले, अब ये पता लगाओ कि उस लड़की को क्लब तक पहुंचाने वाला कौन है। क्या बात है जूली, कोई अर्जेंट काम था? हाँ, मैं वीडियो कैसेट लाई हूँ। कैसेट? कैसी कैसेट? ब्लू फिल्म की, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पे एक उड़ती हुई चिड़िया भी झांककर नहीं देख सकती। ब्लू फिल्म देखकर मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता नहीं आशा, इन ब्लू फिल्म्स का आजकल कितना बड़ा धंधा चल रहा है, करोड़ों रुपए का। न जाने कितनी नई नई लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। शायद किसी कैसेट से तुम्हारी बहन का पता चल सके। मैं तुम्हारा दुख समझती हूं, देखोगी? तुम बैठ के देखो, मैं अभी आई।